गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं जितेंद्र सैनी आपका बायोलॉजी टीचर एक बार फिर आपके सामने बायोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मानव जनन तंत्र को स्टार्ट किया था और जाना था कि मानवों के अंदर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, किस प्रकार के लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, कौन कौन से नर तथा मादा के अंदर जनन अंग पाए जाते हैं। प्रथम तौर पर हमने जनन तंत्र के बारे में डिस्कस किया था, जनन की परिभाषा समझी थी और जनन में काम आने वाले मुख्य मुख्य वाक्य जिन्हें पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि जननिक अंगों के नाम, उनको समझा था। फिर हमने स्टार्ट किया था नर जनन तंत्र और उसको डिटेल में पढ़ा। आज अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मादा जनन तंत्र, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखते हैं मादा जनन तंत्र को अगर समझे, उससे पहले हम देखते हैं कि नर के अंदर भी हमने पढ़ा था कि नर जनन तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक जनन अंग तथा द्वितीयक जनन अंग। तो वैसे के वैसे मादा जनन तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक, द्वितीयक जनन अंग। यानी कि प्राथमिक जनन अंग के तौर पर कौन से अंग काम करते हैं मादा के अंदर, और द्वितीयक जनन अंग के तौर पर कौन कौन से अंग है जो कार्य करते हैं। थोड़ा सा आप डायग्राम देखें तो हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो हमने दो बात की थी, इसके अंदर अगर अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है तो उसका सेपरेट पार्ट अलग रहेगा और अंडाणुओं की गति वगैरह है उसके विकास या परिवर्तन का पार्ट या ऑर्गन्स अलग रहेंगे। तो प्राथमिक अंग पढ़ते हैं, प्राथमिक जनन अंग के तौर पर, तो मादा जनन तंत्र के अंदर प्राथमिक जनन अंग होते हैं एक जोड़ी अंडाशय। क्या होते हैं? एक जोड़ी अंडाशय पाओ। कहाँ पाए जाते हैं? देखें, उधर गुहा में पाए जाते हैं, बाहर की तरफ। ये देखो, पहला ये, दूसरा एक जोड़ी अंडाशय, इस तरफ से भी अंडाशय, इस तरफ, यानी कि दोनों तरफ, पेल्विक रीजन के दोनों तरफ पाए जाएंगे, उधर गुहा के अंदर किडनी के नीचे, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है, किडनी है। तो प्राथमिक जनन अंग के तौर पर मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अब ये अंडाशय खुद है जो इनका जो मुख्य कार्य होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, यानी कि पर्टिकुलर अंडाशय के दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो होता है मादा जनन कोशिका यानी कि अंडाणुओं का निर्माण करना, और ये मुख्य कार्य है, मोस्ट फंक्शन है इसका, मुख्य कार्य इसका क्या है, मादा जनन कोशिकाओं यानी कि अंडाणुओं का निर्माण करना। और दूसरा ये अंतस्त्राव ग्रंथि के तौर पर भी कार्य करता है और दो प्रकार के हार्मोन का सीक्रेशन करता है और उसका नाम है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। दो प्रकार के हार्मोन का सीक्रेशन भी करता है, कौन करता है, अंडाशय करता है। प्राथमिक जनन अंग कौन है? अंडाशय। अंडाशय के मुख्य दो कार्य क्या हो गए? पहला कार्य हो गया मादा जनन कोशिकाओं यानी कि अंडाणुओं का निर्माण करना, और दूसरा इसका कार्य रह जाएगा अंतस्रावी ग्रंथि के तौर पर कार्य करना और दो हार्मोन का सीक्रेशन करना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। फिर ये कहां पाया जाता है? तो उधर गुहा के अंदर पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, वृक्क यानी कि किडनी के नीचे की तरफ, क्योंकि हमने पहले ही वाला जो उत्सर्जन अंग पढ़ा था उसमें हमने किडनी का जो रीजन बताया था, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, उसके जस्ट नीचे क्या पाए जाते हैं? दो अंडाशय पाए जाते हैं। अब दो अंडाशय उधर गुहा में किडनी के नीचे पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? पेल्विक रीजन यानी कि श्रोणि भाग के अंदर पाए जाते हैं। अब इसका मुख्य कार्य देखें, यानी कि अंडाशय के अंदर असंख्य अंडाशय कुटिकाएं पाई जाती है, अंडाशय के अंदर असंख्य अंडाशय कुटिकाएं पाई जाती है, वही असंख्य अंडाशय कुटिकाएं किसका निर्माण करती है? अंडाणुओं का निर्माण करती है। याद रखना, अंडाशय के अंदर अंडाणुओं के निर्माण कौन करती है? अंडाशय कुटिकाएं, ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती है, असंख्य होती है, वे अंडाणुओं का निर्माण करता है। जब भी एक अंडाणु का परिपक्व होता है तो वह अंडवाहिनी के अंदर गति करता है, यानी अंडवाहिनी के अंदर परिसंचरित होता है, आगे की तरफ गति करता है। अब देखते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल ये अंडाशय अपना, ये दोनों अंडाशय है, यहां से एक अंडाशय से एक ओव्यूम बना, वो अंडाशय इस नलिकाकार संरचना के अंदर विकसित होने पर गति करेगा। ये रहा एक अंडाणु, ये देखो ये नलिकाकार संरचना क्या है, अंडवाहिनी, दोनों तरफ अंडवाहिनी रहेगी, अंडवाहिनी विकसित होने के बाद यानी कि विकास या परिपक्व होने के बाद वो क्या है, अंडवाहिनी के अंदर चला जाएगा। तो प्राथमिक जनन अंग के तौर पर कौन काम करता है? अंडाशय काम करता है। अंडाशय के ऊपर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इसका मुख्य कार्य और कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेशन होता है। मुख्य कार्य होता है मादा जनन कोशिकाओं यानी कि अंडाणुओं का निर्माण करना, अंडाणु का निर्माण कौन करते हैं? अंडाशय के अंदर असंख्य अंडाशय कुटिकाएं ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती है, वो अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। दूसरा अंडाशय का मुख्य कार्य रहेगा अंतस्रावी ग्रंथि के तौर पर दो हार्मोन का स्त्रावण करना, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं, जिसके अंदर इसके अनुसार उनके अंदर लैंगिक परिपक्वता आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने द्वितीयक जनन अंगों के बारे में। अंडाशय हो गया, द्वितीयक जनन अंग कौन कौन से बच्चे? देखो, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है,
योनि है और गर्भाशय गुहा वाला भाग है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्वितीयक जनन अंगों के बारे में। प्राथमिक जनन अंग में हमने अंडाशय के बारे में पढ़ा, द्वितीयक जनन अंग कौन कौन से है देखो, एक होता है अंडवाहिनी, दूसरा होता है गर्भाशय और तीसरा होता है योनि। मादा के अंदर ये द्वितीयक जनन अंग के तौर पर काम करते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं चलिए डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहला अंडवाहिनी, देखो दोनों तरफ अंडाशय आपको नजर आ रहे होंगे, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ अंडाशय, और अंडाशय के दोनों अगर इस तरफ से भी एक नलिका सर्जन जा रही है, इस तरफ से भी एक नलिका का सर्जन जा रही है, तो अंडाशय के दोनों तरफ से जो लंबी नलिका सर्जन जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी कहा जाता है। फिर अपना जो दूसरा द्वितीयक प्रजनन जनन अंग है वो है गर्भाशय। गर्भाशय क्या है, ये रहा गर्भाशय, ये बीच वाला जो भाग है रोड चौड़ा नुमा थेरीनुमा सर्जन है उसे बोलते हैं गर्भाशय, और गर्भाशय के आगे जो संकरा नलिकाकार भाग रहता है 10 सेंटीमीटर लगभग उसे बोलते हैं योनि। तो पहले हम बात करते हैं अंडवाहिनी की, तो सोचिए अंडवाहिनी का कार्य क्या होगा। अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है, अब यहाँ से अंडाणुओं को अपने को कहाँ लेके जाना है, यहाँ से कोई भी एक अंडाणु है इसको अपने को गर्भाशय तक लेके जाना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक पाथ एक रास्ता कौन देगा, वो देगी अंडवाहिनी, तो यही इसका मुख्य कार्य है। चलिए देखते हैं, अंडवाहिनी लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग होता है, कुंडलित घुमाव होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक यानी कि इसको यहाँ घुमा के यहाँ तक लाने का कार्य करता है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है और निषेचन की क्रिया हेतु अनुकूलता बनाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसका याद करना कार्य, एक तो कार्य हो गया क्या अंडाशय से अंडाणुओं को गर्भाशय तक का परिवहन कराना, लेकिन ये निषेचन की क्रिया हेतु अनुकूलता बनाती है यानी कि उसके अंदर अनुकूल माध्यम प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से निषेचन पर्टिकुलर संपन्न हो जाए, तो ये होता है अपना अंडवाहिनी का कार्य। फिर नेक्स्ट अपना जो जनन अंग है वो है गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है, मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य एक खोखला मांसल अंग होता है। आपको पता होगा कि हमने उत्सर्जन में पढ़ा था कि ऊपर की तरफ जहां पर यूरिया स्टोर रहता है उसे बोलते हैं मूत्राशय, और मलाशय यानी कि जो मल द्वार के आसपास वाला क्षेत्र जो पेल्विक रीजन में पाया जाता है उसके बीच के अंदर क्या पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है जो एक खोखला होता है मांसल खोखला भाग होता है। दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक थेरीनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। दोनों अंडवाहिका ये और ये दोनों संयुक्त होकर एक थेरीनुमा संरचना का निर्माण करती है उसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। शुक्राणु द्वारा निषेचित अंड स्थापित होकर भ्रूण का विकास भी क्या होता है, यही पर होता है, यानी कि जो शुक्राणु द्वारा, शुक्राणु कौन से, नर जनन तंत्र की प्राथमिक कोशिका शुक्राणु, तो शुक्राणु और अंडाणु को जो निषेचित होकर जो अंडा बना उसको स्थापित होकर भ्रूण के विकास के लिए कौन जगह प्रोवाइड करता है, गर्भाशय करता है। और माता और भ्रूण के मध्य कड़ी यानी कि जो माता और बनने वाली संतान या भ्रूण उसके मध्य एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कड़ी बनती है जिसे प्लेसेंटा यानी कि अपरा कहते हैं, उसका रोपण भी किसमें होता है, गर्भाशय होता है। अपरा का कार्य आप याद रखना, अपरा का कार्य होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना थ्रू अपने जो भी इंडिविजुअल पेरेंट यानी कि माता से, ठीक है, तो ये होता है गर्भाशय का। तीसरा अपना जो द्वितीयक जनन अंग है वो है योनि। योनि कौन सा वाला भाग होता है, गर्भाशय का ऊपरी भाग होता है, 8 से 10 लंबी नलिकाकार संरचना होती है योनि, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। याद रखना स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर योनि कार्य करती है, पुरुषों के अंदर शिश्न कार्य करता है, रजोधर्म स्त्राव तथा प्रसव के लिए मार्ग बनाता है, इसका मुख्य कार्य यह हो गया, रजोधर्म स्त्राव और प्रसव क्रिया के लिए यानी कि प्रेगनेंसी के बाद प्रसव की क्रिया और रजोधर्म स्त्राव के लिए मार्ग बनाता है। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, महिलाओं की योनि के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का सीक्रेशन होता है और योनि का मीडियम लैक्टिक अम्ल की वजह से अम्लीय हो जाता है, और इसके अंदर अम्लीय होने की वजह से अन्य प्रकार के जो भी दूसरे कीटाणु जीवाणु है वो क्या हो जाते हैं, उनकी डैमेज यानी कि नष्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया अपना योनि का मुख्य कार्य हो गया, और इसके अंदर जीवाणु के आधार पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है। हमने बात की थी द्वितीयक जनन अंगों के बारे में, ये भी पूरा हो गया। अब हम बात क्या करेंगे, हम बात करेंगे प्रजनन की स्थितियां, कौन कौन से प्रजनन की स्थितियां पाई जाती है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूर्ण होती है, ये अपना मादा जनन तंत्र या संपन्न होता है। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर प्रजनन की स्थितियां, प्रजनन की अवस्थाएं। देखो रिप्रोडक्शन के बाद कुछ अवस्थाएं होती है जिनको कंप्लीट होने पर भी एक न्यू बॉर्न बेबी का विकास होता है, वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती है उनको देखते हैं। सबसे पहली अवस्था है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस यानी कि वर्षण तथा अंडाशय में आगमन, हैप्लोइड युग्मकों के निर्माण की विधि को
युग्मक जनन कहते हैं, यानी कि वर्षक तथा अंडाशय में कैसे, क्योंकि आपको पता है वर्षक के अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं जिससे शुक्र जनन की प्रक्रिया द्वारा, और अंडाशय में अंडाणु बनते हैं अंड जनन की प्रक्रिया द्वारा। तो इस प्रकार दोनों ही हैप्लोइड होते हैं। तो अगुणित युग्मकों का जो निर्माण की विधि होती है उसे क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। फिर आता है निषेचन फर्टिलाइजेशन, यानी कि मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के द्वारा नर द्वारा छोटे के शुक्राणु के संपर्क में आता है, और संपर्क में आने पर एक संयुग्मन करके युग्मनस का निर्माण करते हैं जाइगोट का, और इस प्रोसेस को इस विधि को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि मादा में उपस्थित अंडाणु ये अंडाणु, नर द्वारा छोटे के शुक्राणु ये शुक्राणु, दोनों संपर्क में आएंगे संयुग्मन करेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। फिर होता है अपना थर्ड विदलन तथा भ्रूण का रोपण, यानी कि विदलन और भ्रूण का रोपण मतलब कि चमसूत्री विभाजन के बाद जो कोरक अवस्था बनती है, कैसे युग्मक जनन युग्मन जाइगोट यहाँ पे बन गया, इसके बाद चमसूत्री विभाजन रहेगा, कोशिकाओं का बार बार विभाजन रहेगा और एक अवस्था बनेगी कोरक अवस्था, और उसके बाद में जो कोरक अवस्था होती है वो गर्भाशय की आंतरिक दीवार पर जाकर स्थापित हो जाती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, भ्रूण का रोपण। इसे कहते हैं भ्रूण का रोपण होना, यानी कि कोरक अवस्था का गर्भाशय की आंतरिक स्तर से पर जाकर रोपित हो जाना क्या कहलाता है, भ्रूण का रोपण कहलाता है। फिर लास्ट अपना है प्रसव, प्रसव किसे कहते हैं, जब भ्रूण का रोपण के बाद अनेक भ्रूणीय विकास की अवस्थाओं या विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ गर्भस्थ शिशु का विकास होने पर एक न्यू बोर्न बेबी का जन्म होता है, शिशु जन्म की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। इसे बोलते हैं यानी कि भ्रूण का विकास हुआ, विकास के बाद बहुत प्रकार की अवस्थाएं से गुजरा, और एक जब शिशु के जन्म की पूरी प्रक्रिया हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, प्रसव। तो ये थी अपने प्रजनन की अवस्थाएं, अपना जो रिप्रोडक्टिव वाला टॉपिक है आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।